बख्शी साहब आज सारे टॉस जीता हूँ। क्या बात, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मैं एक टॉस भी नहीं हारा और फाइनल मैच है, फाइनल का टॉस भी मैं जीत गया और हमने लिया बॉलिंग। बख्शी आज आउट क्लास बॉलिंग कर रहा है, काफी अरसे से कर रहा है लेकिन आज जो कर रहा है ना वो एक्सीलेंट कर रहा है, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा हमें स्कोर पड़ गया था, इसने आके स्कोर बचाया है और हमने कम बैक किया और अब फाइनल मैच है और इस टूर्नामेंट का प्राइस मनी भी अच्छा है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे और आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा आज। जी आईबेक्स इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किसी टीम को पास नहीं लगने दिया, ये बैट्समैन स्पेशली जो रेड शर्ट में खड़े हैं इन्होंने मार मार के दुम्बा बनाया टीमों का, अब देखते हैं ये हमारे साथ क्या करेंगे, बॉलर भी यही है जी, ये वन मैन आर्मी है इधर से, अब देखते हैं क्या बनता है, मैच होने वाला तगड़ा क्योंकि हर मैच में चार ओवर में तकरीबन 50-40-60 स्कोर कर रहे हैं। फाइनल मैच तालिब इलेवन का मुकाबला पता नहीं, और सरकानी पहला ओवर करने के लिए आए और पहला बॉल और आसान कैच और बड़ा विकेट, उनकी उम्मीद वाली विकेट पहले ही ओवर के पहले ही बॉल पर बाउंड्री पे, बड़ा विकेट, क्राउड का जम्मे गफीर, काफ़ी उदास और ये देखना ही था कि बड़ी विकेट पहले ही बॉल पे बैट्स भाई, पूरा टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेले तो पहले फाइनल मैच की पहली बॉल पे अच्छी शॉट मार के बाउंड्री पे आओ। तो अभी तक उनकी टीम के मेन बैट्समैन जिन्होंने उनकी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था, उनकी बड़ी विकेट पहले ही ओवर की पहले ही बॉल पे बाउंड्री पर कैच, तो सरकानी दूसरा बॉल और बी दूसरा बॉल भी। इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि तालिब जो कि बड़ी मुश्किल से छुप छुपा के क्रिकेट खेलने आते हैं, टीम ने फैसला किया है कि अगर टीम ये टूर्नामेंट जीत गई आज और छक्का, अगर टीम ये टूर्नामेंट जीत गई आज तो हम इनके वालिद साहब को घर जाके चुपके से 2500-3000 रुपया दे देंगे और 2500-3000 देने के बाद हम उनसे कहेंगे कि ये तालिब की व्लॉगिंग की क्लिप कमाई है, तो मेहरबानी आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, 3000 रुपया तालिब साहब के वालिद साहब को हमने देना है ताकि वो उनको खेलने की इजाज़त दें, भरपूर मदद की तवक्को है और आप कैसे मदद कर सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करके। अच्छा बॉल और बॉल फंस गया लेकिन छक्का खा गए, तो सरकानी अगला बॉल, गुड बॉल, गुड पेसी बॉल और कुछ नहीं, सिंगल। तो एक ओवर नो स्कोर, स्कोर सही जा रहा है, बड़े विकेट गिर गए लेकिन छक्का मार के फिर भी स्कोर का हिसाब उन्होंने बैलेंस ही रखा और ये कलेक्ट नहीं किया सबूर ने, शायद एक रन आउट का चांस था। ग्रैंड फिनाले, दूसरा बॉल बख्शी, बैट्समैन तैयार, इस बैट्समैन ने अभी तक एक छक्का भी जड़ा हुआ है, सरकानी को अच्छी पेस पे तो बैट्समैन को ईजी बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, दूसरा बॉल और एक और छक्का, बख्शी को भी छक्का। तो तालिब इलेवन अभी तक इस पेस से स्कोर शायद एक ही बैच में खाया था जो अब खा लिया। अच्छा बॉल और अरसलान ने नहीं किया थ्रो, तो सिंगल, तीन बॉल 6 स्कोर। तो चौथा बॉल 6 स्कोर, 7 स्कोर आ चुका और ये वाइड, वाइड का इशारा, पहला वाइड, वन अप और वाइड, तो बख्शी ने एक वाइड करा दिया और वन अप द ओवर भी हो गया, तो अब चौथा बॉल रीडू करना पड़ेगा। नो डाउट, अच्छा बड़ा विकेट निकल सकता था रन आउट लेकिन उस पर उन्होंने सिंगल भी दे दिया, तो ओवरऑल और कुछ नहीं, सिंगल। तो ओवर का आखिरी बॉल, छक्का दोनों ओवरों में आ चुका है अभी तक जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे, अच्छे बड़े बॉलर हैं बख्शी और सरकानी लेकिन और ये क्या थ्रो था, काफ़ी घसी थ्रो तालिब की जानिब से लेकिन चले सिंगल। तो 2 ओवर 20 स्कोर, काफ़ी अच्छा स्कोर हो गया, फाइनल के हिसाब से एक अच्छा प्रेशर बन जाता है अगर स्कोर ज़्यादा हो जाए चाहे बैटिंग टीम कितने भी पंप, और ये सिंगल। तो दूसरा बॉल, आसान कैच तालिब के लिए, बिल्कुल आसान कैच और एक बड़ा विकेट, अच्छा बैट्समैन था, अच्छी शॉटें खेल रहा था, हार्ड लक थोड़ा इधर उधर होता तो शायद छक्का भी हो जाता लेकिन विकेट तालिब के लिए खुशी की खबर, थोड़ा शायद स्कोर रुकेगा। 2 बॉल 1 स्कोर, और ये आउट हो सकता था अगर सबूर अच्छी तरह से ग्रैब कर लेते। 3 बॉल 1 स्कोर, 3 बॉल 1 स्कोर सबूर,
कोई सर पैर नहीं थ्रो का कोई सर पैर नहीं लेकिन कर चार बोले स्कोर अभी तक से बोलने अच्छा कंटेनिंग काम किया है, एक विकेट चटका दिया और स्कोर भी नहीं पड़ा उसके बाद, तो अच्छा ताले बिलावर के लिए फाइनली कुछ अच्छा। चार बोले स्कोर ये विकेट हो सकता था, बहुत क्लोज निकल गया और ये आखिरी बैट्समैन रिकग्नाइज्ड बैट्समैन थे उनकी टीम का, तो पांच बोले दो स्कोर अच्छा कंटेनिंग ओवर। अब देखना यह है कि क्या सबूर इस ओवर को निकाल कर तालिबे आमन की फाइनल जीतने की उम्मीदें बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, तो पांच बोले दो स्कोर टीम का मजमू स्कोर 22 आखिरी बोल। और ये छक्का सबूर मिस जज कर गए और 28 को, हालांकि उनके मेन बैट्समैन को शुरू में पकड़ लिया था मेन बैट्समैन को, इसके बावजूद 3 ओवरों में 28 स्कोर हो चुका है और ये सिंगल, तो एक बॉल 29 वेल बॉल और सिंगल डिनाई कर दिया उन्होंने, 2 बॉल 29 स्कोर गुड बॉल और ये वाइड वाइड लाइन से ऊपर, तो 2 बॉल 2 स्कोर गुड बॉल गुड पेसी बॉल 3 बॉल 2 स्कोर और ढाई बॉल 4 बॉल 3 स्कोर, तो तालिब बजाते खुद ओवर करने आए, हम तो बताना ही भूल गए तालिब क्योंकि प्रोफेसर फराज थोड़े इंजर्ड हो चुके हैं और ये आउट और 5 बॉल 3 स्कोर अच्छा कंटेनिंग ओवर, तो ओवर का आखिरी बॉल इनिंग्स का भी आखिरी बॉल 5 बॉल 3 स्कोर और 31 मजमू स्कोर, अब देखना यह है कि क्या टारगेट बढ़ता है। अच्छा बॉल और ये आउट, तो इस तरह 4 और 32 और 33 का टारगेट फाइनल में, तो द ग्रेट फाइनल अच्छा टारगेट बैटिंग टीम ने सेट किया और 32 रन का टारगेट 33 का टारगेट 33 4 बड़ा 33 का टारगेट, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पूरी कि मैच जीते और ट्रॉफी घर लेकर 33 का टारगेट है नाजर ले मुताहिर भाई, 31 का टारगेट है 33 का टारगेट है, ये भी गिव गुड रनिंग पहला बॉल सिंगल सिंगल होगी, बॉल बड़ा रुका है, दूसरा बॉल ओवर का दूसरा बॉल पहला बॉल सिंगल रुक लक्का छक्का मार गया, ताली पीछे हटके खेले थोड़ा सामने रख के खेलते शायद हिट हो जाता सामने का लेकिन मिस हिट एटलीस्ट 2 हिट आने चाहिए भाई को। ओवर का तीसरा बॉल वाइड बॉल वन अप वाइड बॉल और वन अप, ओवर का तीसरा बॉल वाइड बॉल एक्स्ट्रास, इसको हम क्या बख्शीसा प्रेशर कहेंगे इसको जी, बिल्कुल फाइनल है और आवाम क्राउड देख रही है, सेमीफाइनल में थोड़ी ज्यादा थी लेकिन क्राउड देख रही है मैच और मजा आ रहा है, हम अच्छा कंटेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हाँ एक्स्ट्रा आ चुका है, 2 बॉल 3 स्कोर वेकी हो गया चौका हो गया, जाल को लग गया जाल को लग गया विकेट को लग, देखते हैं अब क्या होगा, शुरलू होगा मुरलू होगा या डॉट बॉल होगा, सिंगल थी जी लेकिन फिर भी ठीक किया, 7 स्कोर एक ओवर 7 एक ओवर 7 स्कोर दूसरा ओवर का वाइड बॉल वन अप, हमारे हक में टेप बॉल की लाइन लगी मुसब्बत साबित होती हुई, मुसब्बत भाई जी मुसब्बत मुसब्बत मेरे दराजी सेट का मसला है मुतार भाई ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭੈਣ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਸਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਰੀ ਹੋ ਗੋ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਯਾਰ ਵਾਈਡ ਬਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਬਾਲ ਨੋ ਸਕੋਰ ਤਾਲੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹਿੱਟ ਤਾਲੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਲੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਕਾ ਦਾ ਤਾਲੇ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਐਨੀ ਡੇ ਇਹ ਛੱਕਾ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ Here we go. दूसरा बॉल और वाइड बॉल एक्स्ट्रा बहुत अच्छी जा रही है अभी तक अलविदा बन गया Here we go. एक बॉल हुआ अभी तक भाई का और दोनों बॉल फुल टॉस ताली मिस ताली फुल टॉस छोड़ते नहीं होते लेकिन आज छोड़े
अच्छी निशानी नहीं आई, अच्छी निशानी नहीं है, लेकिन वो फाइनली क्या जो फर्स्ट के ना हो, गगन गगन चुम्बी छक्के हो चुके होने चाहिए, दो छक्के भी हो चुके हैं, दो बॉल डॉट, बकाया वाइट, एक और वाइट, क्या बात है, क्या बात और है, क्या बात? आपने ठीक कहा था, बॉलर थोड़ा हारिस रौफ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो अगले बॉल पे आपने बॉलर को दिखाना है जरा, ठीक है, रन अप से दिखाना है आपको, ठीक है, ठीक, लोग बताएंगे ये हारिस रौफ की कॉपी करते हैं कि नहीं, ठीक है जी, कमेंट में बताना भाई हारिस रौफ को कॉपी करते हैं कि नहीं, इस पे आ जाएगा, हियर वी गो, नीड अ सिक्स, नीड अ सिक्स, नीड अ सिक्स, और सिंगल, सिंगल सिंगल बचते हुए यार, मुझे सेबी से फीलिंग आ रही है, ही विल डू समथिंग, लेट्स होप, मुताहिर भाई बहुत टेंशन है इस वक्त, टेंशन में है मुताहिर, बिल्कुल इग्नोर करें और मैच एंजॉय करें आप, ये देखें जी हारिस रौफ को कॉपी किया, सैबी डॉट बॉल कर गए, सैबी पीछे हटे डॉट हो गया, पीछे हटे डॉट हो गया, बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री चाहिए, गुड रनिंग, गुड रनिंग, बचते हुए, हमारी कोशिश थी कि हमें लग के बॉल किसी तरह बाउंड्री पे चली जाती, लेकिन हमें नहीं लग रही, ये क्या बात है, मैच एंजॉय करें, और आखिरी बॉल, बाउंड्री, 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 बाउंड्री क्यों नहीं आ रही, डॉट बॉल हो गया यार, डॉट बॉल हो गया भाई, ताले प्रेशर में, ताले प्रेशर में, जिस टाइम काफी हद तक उन्होंने खींच के रखा हुआ है, तो अब 20 स्कोर तकरीबन आखिरी दो ओवरों में आ गया, बख्शी आप तो समझते हैं 20 स्कोर के बारे में, मैं समझता हूँ हमारी जो बैटिंग लाइनअप है वो एनी डे कुछ भी कर सकती है, तो मेरा ख्याल है अभी चांस देना चाहिए, मैं तो आखिरी ओवर का भी इंशाल्लाह चांस दूंगा, आई सपोज तो आखिरी ओवर में भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह 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 के साथ, क्योंकि मुझे यकीन है ये करेंगे इंशाल्लाह, हियर वी गो, दो में 20, क्या बात है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, माजरत, गले तक आते हुए चीजें, गले तक, अब आपके बबरकत कमेंटेटर ने खुद कैमरा पकड़ लिया, और जैसे ही मैंने पकड़ा, चुप करके पिछे खलो जा, तेरी आवाज ना आए, और तो तीन बोले छह स्कोर आ गया, एक छक्का तालिब इलेवन को मैच में वापस आने के लिए बेहद जरूरी है, बख्शी और आदिल विद द गोल्डन आर, ओ आदिल भी सामने से बोल्ड, और ये एक काफी बड़ा काफी नुकसान, तो मैच अपने सनसनी खेज मरलों में दाखिल हो चुका है, बख्शी जब से मैं आया हूँ पहली बॉल पे छक्का, उसके बाद दो आउट, अल्लाह तो कुछ कह नहीं सकते, अब आठ बॉलों पे 14 रन दरकार, ये मैच इंतहाई सनसनी खेज मरले में, और छक्का, और नकी ने आते ही सूखे हुए सांस दोबारा उजागर कर दिए, और अच्छी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है बॉलिंग टीम की तरफ से भी और बैटिंग टीम की जाने से भी, फाइनल का हक अदा करते हुए, तो अब सात बॉलों पे आठ रन दरकार, अगला बॉल, और इस तरह आखिरी ओवर में दो स्कोर दरकार, नकी जो दुकान छोड़कर अपने अपने वालिद साहब से छुप कर आज खेलने आए, नकी नकी जिसने अपने वालिद साहब की इबादतों का फायदा उठाया, और चलती दुकान करीम मार्केट के दिल में मौजूद उनकी दुकान खान स्टोर छोड़ के क्रिकेट खेलने आए, टीम को जितवाने आए नकी, तो अब आखिरी ओवर में दो स्कोर दरकार, बख्शी बेहोश, साहब बेहोश, नकी और तालिब दुकान छोड़ के अब्बू जी की ग्रीन मार्केट के दिल में, और पहला बॉल आए, और आप एक रन दरकार, दोनों भाई दुकान छोड़कर, ऑन अ संडे नाइट, ऑन अ संडे नाइट दुकान छोड़कर, कारोबार ग्रीन मार्केट में गारमेंट्स की दुकान छोड़कर, दोनों भाई छोड़ रहा है, जीत गए दोनों भाई, नकी और तालिब, नकी और तालिब दुकान छोड़कर, ये लड़का अब्बा जी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर, 150 रुपया, ये लड़का अब्बा जी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अब्बा जी को बताया बगैर टूर्नामेंट खेला, मेरी फुल बैड परफॉर्मेंस के बावजूद
लकी ने कमाल परफॉर्मेंस दिया, सबूर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और हम फोर्थ टूर्नामेंट रमजान में जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस टूर्नामेंट का इनाम भी ज़्यादा था और आपको ऐसे मज़े मज़े के मैचेस और टूर्नामेंट्स दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल नए टूर्नामेंट के साथ। आज के लिए और हम इनके वालिद साहब को 2500 रुपया देंगे आज, ये क्या कह के इनके ये व्लॉगिंग की कमाई है, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट करें। अब्बा जी की दुकान छोड़कर, दोनों भाई अब्बा जी की दुकान छोड़कर अगले महीने करीम मार्केट में गारमेंट की दुकान। मुतायर भाई अगले महीने मेरी कमेटी 150 डेढ़ सौ ज्यादा हो गया। अब्बा जी की दुकान खानदानी बिजनेस छोड़कर संडे नाइट को रश वाली रात को 11 बजे दुकान से दोनों भाई पीक टाइम में अब्बा जी की दुकान संडे की रात ड्रॉप आउटलेट तो टालिब 11 फता याब हो गई। जिस तरह दोनों भाइयों ने दुकान छोड़ी जितना जरूरी था संडे नाइट पे दुकान छोड़ अब्बा जी की दुकान गारमेंट। ये नकी भाई हैं आज हर कस्टमर को कहते रहे हैं आपका साइज नहीं। आप जाए कल है, मैं 1 बजे आया हूँ। ये दोपहर से कस्टमरों को कह रहा दुकान ना जल्दी बंद हो गई तो ये शर्म आनी चाहिए दोनों भाइयों को, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है। अब्बा जी को आज हम 2500 रुपए देंगे ब्लॉगिंग की कमाई। क्या तालिब के अब्बा जी कहा सब आए हैं, सब आए दोनों भाई संडे की रात बच्ची आप बताए यार। देखे नक्की छोटा भाई है लेकिन मेरी नक्की हमारा दोस्त अब्बा जी की दुकान। इस बंदे ने इतना डिप्रेशन दिया मुझे वहां पे, इतना डिप्रेशन में फर्क हो गया। जबकि इसको मैंने चप्पा कर दिया, मैंने हमेशा कहा जी आदिल क्रंच मैच में लगाएगा नीचे बच्ची। आज मैंने अपने पहले छक्के में तेरा चप्पा देखा ना, मैं कहा ये तो काम गरम है जितनी भी है हम हारे जीते हमने कभी ड्रेस नहीं दिखाया, लेकिन अक्सर टीमें दिखाती है। आज वो बच्चा आउट हुआ उसके कान में तो चप्पा दी है, वो भाई ने आगे इधर कर दिया। मसला नहीं है, कौन देता चेक।